अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वन अदर ब्लॉग। तो यार मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा बिजी था, कुछ काम वगैरह थे मेरे अपने, तो इस वजह से ब्लॉग आ नहीं पाया। क्योंकि यार मैं भी बस बाहर इधर उधर नहीं गया हूँ, बस इधर यार शहर और मैं अपना घर, बस इधर उधर जाना ही नहीं हुआ तो ब्लॉग भी नहीं बन पाया। और शुएब भाई भी गया कराची, यार जीशान भाई भी अपने बस काम से लगे पड़े हैं, आमिर भाई भी गए कराची। तो जा रहा हूँ यार, अभी गांव से मैं आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ शहर की तरफ। इस टाइम मैं मंडी की तरफ पहुँच गया हूँ, जो अड्डा है बस अड्डा, तो इस साइड पे आ गया हूँ। तो अभी जाऊँगा यार यहाँ से। यार मैंने गाड़ी का भी कुछ काम करवाया था लेकिन ब्लॉक नहीं बना पाया अच्छे से। क्या यार, बार बार लाइट जा रही थी, ब्लॉक ही अच्छे से नहीं बना। तो यार तो आगे वाला बानट मैंने ब्लैक करवा दिया है, तो अभी जाना यार इस पे रेड लाइन की एक पट्टी, एक उस्ताद ने मुझे बोला था वो लगाओ लुक देगी, तो मैंने बोला ठीक है भाई वही लगा देते हैं, आ जाएं फिर। तो यार बस अभी जा रहे हैं तो शोरूम रोड पे, वहाँ पे जाएंगे। यार एक उस्ताद ने मुझे मशवरा दिया, बोला यार आपने डल में करवाया है लेकिन मुझे, यार वैसे तो शाइनी करवाना था लेकिन ये डल वाला है, डल में आया था मैं, क्या करता यार, बस वो नहीं मिल रहा था शाइन वाला पेपर, तो इसी डल में मैंने करवा दिया। तो अभी मुझे एक उस्ताद ने सलाह दिया, उसने बोला यार बहादुर भैया वैसे कर बीच में एक ही लाइन, मतलब रेड की छोटी सी एक लाइन बीच में से लेके आए। मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास ही, ठीक है, तो उनसे फिर से कन्फर्म कर लूँ कि किस जगह पर लाइन लेके आऊँ। और यार इसके थोड़ा यार कैमरे का मसला है, बैक कैमरे में यार वो शीशा लगा होता है ना कैमरे का, वो टूट गया है, तो रात के टाइम यार फुल वाइट दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दिन के टाइम सही है, रात के टाइम लेकिन भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा मुझे ही खुद को ब्लाइंड कर रहा है। मैं यार रात के टाइम शीशे थोड़ा डार्क है ना, तो साइड शीशों में अच्छे से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि यार इसका रिफ्लेक्ट ज़्यादा आँखों में लगता है ना। तो अभी जाएंगे वो कैमरे का मसला भी हल करेंगे, अली भाई के पास जाएंगे और देखें एक छोटी सी लाइन लेके जाएंगे बानट में से नीचे, और देखें यार वैसे तो आज का वैसे कुछ खास तो नहीं है, बस सिर्फ इतना यार इसको एक छोटी सी लाइन लेके जानी है और कैमरा चेंज करना है। मैंने बोला यार काफ़ी दिनों के बाद मिसाल है फारिग हुआ हूँ, ये दो काम करवाने, मैंने बोला ब्लॉग ही स्टार्ट कर दूँ, बस यार क्या करूँ टाइम ही नहीं मिल पाया, काम वगैरह कुछ मेरे अपने थे। तो यार मेरी 22 तारीख को इंशाल्लाह क्वेटा के लिए प्रोग्राम है घर वालों के साथ, तो यार देखें किस सिस्टम से फिर होता है, समझ तो ऐसे कुछ नहीं आ रहा यार, कभी बोल रहे जाएंगे कभी बोल रहे नहीं, तो इस वजह से मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह, फिर अभी चलते हैं यहाँ से, ये काम करवा देते हैं, फिर यार देखते हैं वहाँ पर उनको प्रोग्राम, पता नहीं क्या सिस्टम है कैसे होगा, फिर करते हैं इंशाल्लाह। तो इस टाइम यार मैं क्वेटा रोड पे हूँ, तो अभी जा रहा हूँ शोरूम रोड, फिर वहाँ से अली भाई के पास पहले चलते हैं, कैमरे का देखें इशू पहले ठीक करवाएंगे, फिर एक ही लाइन अली भाई से पूछते हैं, अली भाई क्या मशवरा देते हैं बीच से लेके कहाँ से लेके जाएँ, मतलब लाइन, फिर देखें जो अली भाई मशवरा दें, ठीक है। तो यार फ्यूल वैसे जो मेरा एवरेज का मसला था ना वो काफ़ी हल हो चुका है, एवरेज का भी मेरा थोड़ा मसला चल रहा था, एवरेज गिरा रही थी बार बार, तो अभी माशाल्लाह दे रही है वैसे शहर में 12-13 सही यार, लेकिन पैर पे भी डिपेंड करता है, अगर नॉर्मल एक्सीलरेट हो तो एवरेज अच्छी दे देती है, अगर शहर में मिसाल बनता भाई दबा के चलाए ऐसे, मतलब भाई कट्टे चट्टे लगाए रश से निकलने की जल्दी में कोशिश करें तो एवरेज यार गिर जाती है, मैंने नोट किया है वैसे। तो अभी माशाल्लाह ओके है, तो फिर देखें बस अभी चलें यार वहाँ पे, ये कैमरे का मसला भी हल करें और उसका भी देखें हल करते हैं, पट्टी कहाँ से लगवाएं। यार शेब भाई वालों को बहुत मिस कर रहा हूँ, शेब भाई आमिर भाई दोनों ब्लॉग देखें, तो यार आप लोगों को मैं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कसम से। वैसे यार वो होते थे ना तो रात के टाइम या दिन के टाइम अचानक प्रोग्राम हमारा बन जाता था कहीं ना कहीं। यार बस यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यार आप लोग सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से दबाना। यार मैं बस आ गया अली भाई की शॉप पे, तो चलें मिलते हैं अली भाई से। मैं तो गया था, भूल गया था यार मोबाइल इधर भूल गया था मैं, तो उसने बोला यार गाड़ी थोड़ा साइड पे पार्क कर लें, फिर
आए यहाँ पे कैमरा आप लोगों को चेक करवाएंगे भाई। तो यार बस गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्क कर ली है, तो चलते हैं अली भाई के पास। यहाँ पे बैठे हुए हैं सलमान भाई और अली भाई, दोनों साथ बैठे हुए हैं, कैमरा हमको लगा के दे दिया है। तो बस अभी बस अली भाई से सालवाल मालवाल करके फिर चलते हैं पट्टी लगवाने के लिए, फिर उसके बाद घर। और तो यार अभी बस कैमरे का काम भी हो गया है। तो यार पहले यहाँ पे पता नहीं कुछ लगा था तो कैमरा का भी यार ग्लास टूट गया था ना, तो अभी बस वो भी हमने ओके करवा दिया है, तो अभी चलें। यहाँ से यार नंबर प्लेट वाले के पास चलते हैं, देखते हैं भाई। तो यार बस इधर से चलते हैं, देखें यार काम पे लगवाए हैं। मुझे यार समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल तो कह रहा है बस छोड़ दूं, लेकिन देखते हैं यार, मेरे तो दिल नहीं कर रहा कि यार इसमें लगवाऊं। तो अभी यार यहाँ पे आया हूँ आजी के पास यार, थोड़ा वो बानट पे हमने लगाया था ना, उसमें थोड़ा यार साइड में से ब्लेड थोड़ा ज़्यादा लग गया है, उसको कटवा के दूसरा पीस लगवाते हैं उनसे। चलें भैया जी के पास यार, इसका यहाँ से थोड़ा पेपर ख़राब था तो यहाँ से फिर से रिमूव करवाया, तो दूसरा इसमें यहाँ पे यार देखें उस्ताद हो रहे हैं वाइट पीस लगाओ, देखें वाइट रख के देख रहे हैं, वाइट अच्छा लगा तो वाइट, वरना फिर से बस दूसरा ब्लैक का पीस कटवा के यहीं पर लगवा देंगे। यार अभी यहाँ पे क्यूटो खड़ी है, तो अभी यहाँ से हम कटवा रहे हैं, इसके लिए यार पट्टी छोटी थी। अरे यार समझ नहीं आ रहा उस्ताद से, मैंने बोला यार कहाँ पे लगाएं, उसने बोला आप जो सलाह दो वहीं पे लगा देंगे। फिलहाल अभी इधर चेक करते हैं, यहाँ पे अच्छा लगा तो यहीं पे लगा देंगे। तो यार बस हम लोगों ने यहीं पे डन कर दिया है, तो यहीं पे लगा दिया, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, यहीं पे बस लगा दिया। यहाँ पे उस्ताद एक और थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे। यार अभी लुक वैसे पहले पट्टी की जगह तो लुक आ गई है। यार बस यहाँ पे हमारा काम हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो चलें फिर चलते हैं घर की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार तो भाई यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट, तो भाई पट्टी भी लग गया इसका, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो देखें यार अभी तो यार शेफ भाई वाले भी कोई नहीं है, वरना यार जाते कहीं खा पी लेते, कहीं बैठते, शोल मेला करते, मजाक करते भाई, बहुत मिस कर रहे हैं वैसे मैं और दिशान भाई उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो यार नोमी भाई भी अभी तक नहीं आ रहे, वैसे मैंने नहीं देखा अभी तक उनको, तो जब आएंगे नोमी भाई से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। नोमी भाई भी पता नहीं कहाँ हैं, अजीम भाई वाले आ गए हैं, तो अजीम भाई वालों के साथ घूम रहे हैं नोमी भाई भी, देखते हैं इंशाल्लाह नौमी भाई जब आए फिर नौमी भाई वालों के साथ भी प्रोग्राम बनाएंगे कहीं पे। तो यार मेरा तो ऐसे 22 तारीख को क्वेटा का प्रोग्राम चल रहा है घर में, देखें क्या होता है। लेकिन तो यार नौमी भाई वाले भी पता नहीं कब आए, तो यार वैसे शुएब भाई बोल रहे थे, आज उनसे बात हुई मेरी, शुएब भाई बोल रहे थे कि यार यहाँ पे दिल्ली नहीं लग रहा, शहर तो घूमने लायक है कराची भाई, लेकिन यार अपना जगह होता है, बस क्या करें। मैंने बोला आओ भाई, फिर वो है यार कि घर वालों ने बोला है भाई रुक। तो यार शुएब भाई बोल रहे थे कि यार यहाँ पे दिल नहीं लग रहा मेरा, मैं आना चाहता हूँ, तो फिर मैंने बोला नहीं भाई मैं भी जा रहा हूँ क्वेटा, फिर आप थोड़ा बस अभी फ़िलहाल एंजॉय करें, फिर आ जाएं मैं भी आ जाऊँगा। वो शुएब भाई बोल रहे थे 26 तारीख को या 25 को मैं भी आ जाऊँगा, मैंने बोला ठीक है भाई मैं भी अभी 22 को जा रहा हूँ, तो 25 या 26 मेरा भी यही होगा, 25 या 26 तारीख को आ जाऊँगा खैर से। यार मैं भी बस अभी बीच में 2-3 दिन घूमता भाई इधर उधर अपने काम से लगा पड़ा था, तो सभी यार मैं भी फारिग हुआ हूँ। तो यार क्वेटा चलेंगे वहाँ पे कोई हमारा, तो यार अभी क्वेटा के चलेंगे ना वहाँ पे, यार मेरे कज़न वगैरह हैं और हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, तो उनके साथ यार उन्होंने पहले भी मुझे बोला था, पहली दफ़ा मैं जब मतलब कुछ टाइम पहले मैं गया था ना वहाँ पे क्वेटा, तो यार उन्होंने बोला चलो चमन चलते हैं, लेकिन यार बस उन्होंने जैसे बोला फिर उसी दिन मैं निकल आया चिकाबाद के लिए, मेरा चमन जाना भी नहीं हुआ। तो यार इस दफ़ा इंशाल्लाह चलते हैं चमन भी, तो देखें यार अभी मैं 22 तारीख को यहाँ से जाऊँगा, तो
शादी वगैरह है वहाँ पे। तो यार मैं 22 तारीख को इधर से जाऊँगा, तो वहाँ पे कज़न का शादी है, तो वहाँ पे भी यार फंक्शन वगैरह उनके कुछ अटेंड वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह फिर से। फिर यार माँ साथ ने बोला था चलते हैं भाई चमन, वो यार वहाँ पे चमन हेड हैं, उनके अंडर में सब कुछ होता है, तो उन्होंने मुझे पहले भी बोला था कि चलो यार मैं, लेकिन मैंने खुद ने सुस्ती की, मैं खुद नहीं गया। बाद में मैं पछता रहा था, मैंने बोला यार क्यों नहीं गया, मैं जाता चक्कर वगैरह लगाता वहाँ पे यार उनके साथ। यार मैं भी अपने घर की तरफ ही हूँ, बस अभी पहुँचने वाला ही हूँ, तो बस गाड़ी वगैरह पार्क करके आप लोगों से बात करते हैं। तो यार अभी क्यूटो के लिए पार्किंग में यार सोच रहा हूँ पार्किंग में खड़ी करूँ, यहाँ पे आए दिन भाई कभी बच्चे कभी ये कभी वो, यार यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना अंतर, बाइकों में रश लगा पड़ा है भाई। मैं सिर्फ गाड़ी निकालूँ तो भाई बंदे आ जाते हैं, अपने बाइक खड़ी कर देते हैं, फिर उनको ढूंढना ही वेल है भाई पता नहीं। तो यार अभी बस गाड़ी यहाँ पे पार्क करके फिर आपसे बात करता हूँ मैं, तो देखते हैं यार बस अभी चलते हैं फिर क्वेटा। अभी क्या करें यार, शेब भाई भी नहीं है, आमिर भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यार, ईशान भाई हैं वो भाई अपने काम से लगे पड़े हैं, अभी क्या करें फिर। तो यार गाड़ी पार्क हो चुकी है, तो यार बस कैमरे का काम भी हो गया और पट्टी भी लग गई इसमें, तो अभी माशाल्लाह लुक तो बेहतर हो चुकी है पहले से। तो यार यहाँ से भी इसका थोड़ा ख़राब था, तो ये भी हमने यहाँ से कट लगवा के फिर से दूसरा कर दिया है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।